السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخين. وعليكم السلام. جی انس میں فرمایا شیخ ایک مالدار مسلمان ہے اور وہ مان لیجئے دو کیس مان لیجئے کہ وہ اس کے اس کا کوئی فیملی ممبر ہے جیسے بیوی بچے ہو گئے اور اس کے ماں باپ ہو گئے اور ایک کیس ایسا مان لیجئے کہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے اور وہ بہت مالدار ہے تو اس کو پوری زندگی بھر کی کمائی وہ دین کے رستے میں یا پھر کوئی ایسے رستے میں جو حلال ہو وہ وہاں پورا تقسیم کر سکتا ہے کیا؟ جزاک اللہ. दोनों को अलग अलग समझते हैं. एक मालदार आदमी है जिसके पास बीवी बच्चे या उसके वर्षा मौजूद हैं, वो आदमी अपना पूरा माल खर्च करना चाहता है, किसी कार्य खैर में पूरा माल खर्च कर देना चाहता है, तो क्या उसके लिए जायज है? जब तक वो से हालत सेहत में है, मरजुल मौत से पहले अपना पूरा माल जहां पर चाहे वो खर्च कर सकता है, उसे इख्तियार है. लेकिन अफजल ये नहीं है, जायज है उसके लिए, उसको इख्तियार है, वो चाहे तो पूरा माल किसी किसी जो है मस्जिद को, किसी मदरसे को या गरीबों में बांट दे. जी. जब तक वो जो है हालत मरजुल मौत में नहीं गया है तब तक कहीं पर वो अपना पूरा माल खर्च कर सकता है, ये जायज है उसके लिए. लेकिन ये खिलाफ अफजल है क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि तुम अपने वरसा को गनी और मालदार छोड़ के जाओ, ये बेहतर है इससे कि तुम उनको गरीब और फकीर छोड़ करके जाओ, लोगों के सामने वो हाथ फैलाते हुए फिरें. तो उसके लिए अफजल ये है कि वो सदका खैरात करे, अच्छे कामों में खर्च करे, लेकिन कुछ माल वो बचा करके भी रखे ताकि उसके वरसा को मिले. लेकिन अगर वो करना चाहता तो पूरा कर सकता है. हर आदमी अपने माल में बाइख्तियार होता है, ये मर्जुल मौत से पहले. लेकिन मान लीजिए वो सख्त बीमार हुआ, उसको लगा कि अब मेरी वफात हो जाएगी, अब वो चाहता है कि पूरा माल जो है कहीं पर खैरात कर दे, अब उसके लिए जायज नहीं है. अब वो सिर्फ एक सुलुस माल खैरात कर सकता है क्योंकि अब अगर वो खैरात करता है तो यहां पर इस बात का शुबहा है कि अपने वरसा को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहा है, तो लिहाजा वो एक सुलुस को दे सकता है, बाकी नहीं दे सकता. ये मसला हो गया उस आदमी का जिसके पास वर्षा मौजूद है. एक दूसरा मालदार आदमी जिसका कोई नहीं है, वो जहां पे चाहे अपना माल अपनी जिंदगी में जहां चाहे खर्च कर सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है. और हम उसके उसको ये भी नहीं कहेंगे कि तुम्हारे लिए अफजल ये है कि कुछ छोड़ करके जाओ, क्योंकि उसका कोई नहीं है तो पूरा माल भी वो खर्च कर सकता है, ये खिलाफ अफजल भी नहीं है.